हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S3 स्कॉलर्स गुरुकुल। मैं तो आज मैं लोगों को बताने वाला हूँ कि समर वैकेशन कब से होने वाली है, किस डेट से होने वाली है, किस महीने में है एंड कौन से डे से होने वाली है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल में पूरी आप लोगों की क्लासेस लगेंगी। 1 तारीख से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपकी लगेंगी क्लासेस एंड लास्ट अप्रैल में आ जाता है रिजल्ट जिन कंपार्टमेंट वाले बच्चों का। एंड समर वैकेशन जो है क्लास 1st to 12th के लिए, वो है हमारी समर वैकेशन 11 मई से 11-30 जून तक। ठीक है गाइस, 11 मई से 30 जून तक हमारी क्या रहेंगी, समर वैकेशन रहेंगी सैटरडे टू संडे। और 31 तारीख को 1 जुलाई को क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्कूल ओपन हो जाएगा, तो आप लोग स्कूल जाने लग जाएंगे उस दिन। एंड 28 जून से 30 जून तक जो टीचर्स हैं वो वर्किंग डेज रहेंगे टीचर्स के। ठीक है गाइस, टीचर जो है वो स्कूल में आएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं समर कैंप लगेगा या फिर नहीं लगेगा, मिशन बुनियाद लगेगा या नहीं लगेगा। मिशन बुनियाद हर साल लगता है गाइस, और इस साल भी शायद लगे। 90% है कि लग सकता है, 90% है नहीं भी लग सकता। और क्लास 9th to 12th तक की तो एक्स्ट्रा क्लासेज लगती हैं गाइस, आप लोग जानते होंगे। एंड कुछ दिनों बाद 15 दिन की लगती है, 15 दिन की इनको दे दी जाती हैं समर वैकेशन दे दी जाती हैं। यही है गाइस। और ऑटम ब्रेक आप लोग दे सकते हैं, विंटर वैकेशन सब कुछ इस सर्कुलर के अंदर दे रखा है, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना S3 स्कॉलर्स।